हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा हम लोग आए हैं मथुरा मैरिज अटेंड करने, और आज है यहाँ का सेकेंड डे। मथुरा में इस टाइम क्लाउडी हो रखा है, धूप नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन गर्मी बहुत है और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है। मोदी खाई का फंक्शन एक्चुअली शाम का है विच इज़ अराउंड 6 to 8, और उसके बाद ऋषि प्लान कर रहे हैं कि हम दिल्ली के लिए निकल जाएं, लेकिन हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो मैं ऋषि को बोल रही थी मथुरा में कृष्ण जी के जो जन्मभूमि है मुझे वो दिखा दे, बट अनफॉर्चुनेटली रात को ऋषि को बहुत तेज बुखार हो गया है और दवाई तो ऋषि ने खा ली थी लेकिन अभी ऋषि को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले मैं देखूंगी ऋषि की अगर हेल्थ अलाउ करती है घूमने के लिए तो ही हम घूमने जाएंगे, अदरवाइज देखते हैं कि क्या प्लान बनता है और वो आपको मैं अपडेट कर ही दूंगी। एंड बिफोर वॉचिंग द फुल वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। वेदर बहुत ऑसम हो रहा है, गर्मी है हल्की हल्की लेकिन हवा भी चल रही है, उससे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। टाइम 2:30 बज गया है, लंच का टाइम हो गया, मुझे भूख भी लगी है। मैं ऋषि को बोल रही पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है। फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि शाम का है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कैसे तबीयत है? तबीयत ऐसी है जो सेक्टर पूरा जाम हो रखा है। तो है कहीं प्लान है कहीं जाने का? वो तो तेरे ऊपर है। मैं तो कह रही हूँ वृंदावन चल लो, देख ले तेरे ऊपर है। लंच करते हैं और टाइम है हमारे पास, हम जा सकते हैं। देख ले तेरे ऊपर है जो तू बोलेगी। मेरे तो यार हेल्थ आपकी हेल्थ ही ऊपर है। हेल्थ तो मेरी ऐसी है बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कर लूंगा। अगर कुछ हुआ तो दवाई ले लूंगा, एक मेडिसिन ले लूंगा। मेरे फोन में एक बार जरा ये शंकर मिठाई वाला लगा ले, होली गेट पे है, काफी अच्छा है बता रहा है, बहुत बढ़िया बनाता है सब कुछ। वहीं चलते हैं, वहीं करते हैं लंच। मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो ऋषि एक बारी भैया से पूछने गए कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, अगर वो कहता है यहीं खड़ी कर दो तो वी आर गुड टू गो। और ऋषि का छोले भटूरे खाने का मन है। क्या पार्क की है सामने कट पे, वहाँ लगा लो ज्यादा सही है, कोई आएगा बाद में चलान कर जाए। मैंने पहले कहा था बट मेरी बात नहीं मानी जाती। तेरे को पता है ना सब, तूने घुमा हुआ सारा मार्केट की, इतनी तो समझ आ जाती है ना यार ऋषि। ये बहुत बहुत चौड़ी मार्केट है, कहीं खड़ी कर देंगे। देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, योर इंटेलिजेंस इज वे बियॉन्ड। तबीयत खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही, सोच भी नहीं सकते। अब ऋषि ने कॉल कर दूंगी, ये वाली बात बता दे रहा हूँ, फिर इसकी थोड़ी सी बोलती बंद हो जाएगी। ये तो बैंकेट हॉल है, आगे है पार्किंग, मैं बोल रही हूँ ना 500 मीटर से लेफ्ट। मेरे को लिखा हुआ दिख रहा 50 रुपए कुछ कुछ। अरे कार पार्किंग, अप्सरा कार पार्किंग। चलो फिर यहाँ पे सब कुछ है। नहीं बट तूने तो बोला यहाँ पे भी नहीं है पार्किंग, तेरे को तो जो पता है ना, तू तो सारा देखा। मैं जब उस वाले वे से आ रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग थी, मुझे लगा ये बैंकेट हॉल है। देखो ऐसे तैयारियां हो रही है तो लगेगा ये बैंकेट हॉल सा, कुछ लाइटें लगी। वो देखो शाम सामने वो भी लगा पड़ा। तूने बोल दिया कि यहाँ नहीं है वहाँ। यार ऋषि ठीक है, बस मतलब आपको अपनी गलती नहीं माननी, ये भी मेरी गलती है कि यहाँ पार्किंग है। अब आप बताओ ये मैदान सा ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे शादी सी है कुछ? यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, शादी है। ठीक है यार मेरी गलती, बस मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी मेरी। ठीक है क्या खा रहे हो तुम, बता दो, वहाँ जाके देखेंगे। अभी तो थोड़ी देर पहले कुछ कहा जा रहा था। मैं छोले भटूरे प्रेफरेंस। अगर तुम साथ हो, बंदर देखो सामने बंदर बैठा है, यहाँ तो बहुत सारे बंदर है दोस्तों। देखो आ रहा ऋषि की तबीयत खराब है, फिर भी ऋषि नहा लिए और सिर भी धो लिया, यहाँ का पानी थोड़ा सा खा रहा है, तो ऋषि ने बिसलेरी की बॉटल ली और उसी से नहा लिया। वो उन्होंने अपना हेड वॉश कर लिया। मैं दिल्ली से सिर धो के चली थी तो मुझे ऐस सच ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं नहा ली, फ्रेश हूँ, लेकिन अभी भी हल्की हल्की आंखों में नींद है। रात को सोते सोते वैसे भी 4:30 बज गए थे। जब हम छोटे थे ना तो स्कूल में एक पोयम आती, मतलब बोलते थे हम। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है ना तो उनको देख के याद आया, वो ऐसे था, बंदर पेड़ पे बैठा है, क्या बंदर तू भूखा है, मेरे पास आ, रोटी खा, पानी पी, बंदर कूद 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 कूद। ये तो नर्सरी के जी वाली पोयम लग रही है। तो मैं छोटी थी। अच्छा। आई वॉज छोटी, वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा। सुनी आपने, सुनी है? स्कूल बोला ना तो मुझे लगा शायद। हाँ तो नर्सरी स्कूल तो होता। जब मैं नर्सरी में थी तब मैंने ये पोयम सुनी थी। ठीक है, बंदर कूद 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 कूदते रहे,
हम जब स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में बहुत सारे हजारों मतलब 10-10 हज़ार बंदर आया करते थे एक साथ, तो हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से बंदर आ जाए तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। मीठी मीठी लस्सी, डू यू वांट टू ट्राई? ठंडी होगी, एक से पी के तो देखो। सच में बहुत मक्खन कम से कम आधे इंच की मक्खन की है। मेरी पूरी सब्जी भी आ गई है, ये कद्दू की सब्जी लग रही है ना? हाँ ये कद्दू। अच्छे से गरम मसाला डाला हुआ है, सीख ले तुझे ही बनाना है। यहाँ स्पाइसी होता है, दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। पूरी सब्जी तेरी बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। नशे में लग रहे हैं आप, नशे में नींद आ रही है उसको, पहले से नींद आ रही थी, उनको से छोले भटूरे खा लिए। हाँ समझ सकती हूँ, चाय पी के क्या पता उड़ जाए। ओवर ईटिंग हो गई है, मैंने तो थोड़ा सा ऋषि के साथ वो भी खा लिया था छोले भटूरे, और अपनी पूड़ी और सब्जी भी खा ली थी, जिसमें से दो बाइट खा के कह रहे आधी मैंने खाई है। नहीं नहीं आधी खाई है, पूरी खाई। इतने इतने साइजेस में थे ऑलरेडी, तीन पूड़ी के तीन बाइट ले लो तो आधी पूड़ी हो जाती है। मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप मथुरा आते हैं तो एक बार ज़रूर लस्सी, छाछ, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट तो ज़रूर ट्राई करो, बहुत टेस्टी होता है। छोले भटूरे मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि हो सकता है दिल्ली में एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है, लेकिन यहाँ पे जो लस्सी है मिल्क प्रोडक्ट में मतलब कि रबड़ी हो गया जैसे, और अपना केक वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह नहीं, दही दूध चाय कॉफ़ी और रबड़ी रसमलाई इस तरह की चीज़ें, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़रूर ट्राई करना। और अभी यही प्लान बन रहा है कि यहाँ से कृष्ण जी की जन्मभूमि दिखा दो। जन्मभूमि देखनी है, वृंदावन देखना है या एक नो वृंदावन? वृंदावन यहाँ से है 12 किलोमीटर दूर, और ऑलरेडी यहाँ पे टाइम हो गया है 4 बज गए। चलो फिर जो तुम बोले। यस कम से कम 1 लाख का सामान जमा हो रहा है। ज़्यादा कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, लेकिन आई डेफिनेटली टेल माय एक्सपीरियंस। और 50-50 सेंट के तो हमारे वो है फोन, यही टेंशन हो रही है। इधर जमा होगा सामान सारा। अभी मैं फिलहाल अपने कैमरे से ब्लॉग कर रही थी, तो अभी मुझे आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए बाय बाय करना पड़ेगा, और फिर आके बता दी कैसा रहा। बहुत अच्छे दर्शन हो गए मेरे और ऋषि के। यहाँ के जो लोकल गाइड है वो बोल रहे थे कि 1 घंटा लगेगा, अभी उनका श्रृंगार चल रहा है, तो मेरा मन ये था कि किसी तरीके से दर्शन हो जाए, और मंदिर बहुत सुंदर बन गया है। मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, अंदर का एक्सपीरियंस ये कि आप एक बार खुद आओ, मैं बताऊंगी कि ऐसा है या वैसा है। ये जो अच्छे वेदर में हो, लेकिन धूप में बता रहा, गर्मी में बता रहा, अच्छे वेदर में आना, बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है। आज वेदर अच्छा है इसलिए हमारा पूरा सही हो गया। हाँ, और रश भी नहीं था, सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि रश नहीं था और दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने गुफा देखी, उनके डिफरेंट अवतार के जो फोटोग्राफ्स पे बने हुए हैं वो देखे, और मेन जो उनका मेन हॉल है मंदिर का जो सबसे बेस्ट है वो देखा, और ये सबसे बेस्ट राधे राधे। ऋषि का मिट गया, अब ऋषि के ब्लॉग में जाके देखना, हम दोनों का बहुत क्लियर दिख रहा है उस टाइम। मेरे एक्चुअली इतना पसीना आ रहा था और मुझे याद नहीं रहा, मैंने पसीना पहुंचने के लिए यूं कर दिया, वो सारा मेरे हाथ पे लग गया, भूल जाते हैं, तो फिर मेरे को हटाना ही पड़ा। अब हुई है धूप बहुत ज्यादा तेज। हाँ 50% धूप, 50% अच्छे मौसम में कर ही लिया। मैं ऋषि की हिम्मत की दाद देती हूँ यार, ऋषि मुझे, मैंने ऋषि को जहाँ बोला ना मुझे जाना, ऋषि मुझे वहाँ लेके गए हैं। हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद इतनी वीकनेस आ जाती है बुखार में, एक दिन में पूरा शरीर टूट जाता है। एक बार भी ऋषि ने मुझे ये नहीं बोला कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, बट ऋषि एक ही बार ही मेरे ऋषि मान गए। ऋषि की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यही है कि ऋषि चल लेते हैं जैसे तैसे, कर लेते हैं जैसे तैसे। ऋषि थैंक यू।
किस लिए? इतनी वीकनेस होने के बावजूद भी आप आ गए मेरी एक आवाज में। ये तो अपना काम है यार, ये तो करते रहना पड़ता है। इसे कहते हैं ट्रैवल का कीड़ा। मैंने कभी ऋषि के चेहरे पे ना वो 1% भी वो आ जाता है ना वो सिल्वरटे सी की क्यों किस लिए वो नहीं देखा रहे। नहीं ऐसे जिंदगी कटती नहीं है। हाय थैंक यू अगेन। चलो अब ऋषि चलो मम्मी का फोन आ गया। चलो भागो भागो भागो। हमारा एक बच्चा लहूलुहान हो गया, बच्चे के दांत टूट गए और बच्चा रो पड़ा, सच में रो पड़ा। हम लोग खेलने आने रैपिड फायर एंड आई विल आस्क द क्वेश्चंस एंड दे विल गिव मी द आंसर और बजर हमारा होगा क्लैप। ओके रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, मेरे चैनल का नाम क्या है? मलिका चावल डांस। दीपिका पादुकोण की शादी किससे हुई है? रणवीर सिंह। 7 की स्पेलिंग क्या है? SEVEN। मैंने पहले क्लैप किया था, इसने क्लैप किया। बेटा क्लैप है। ये आई गॉट द थर्ड पॉइंट। बेटा जागो। आई गॉट 4 एंड शी गॉट 0। ओके, 0 के बाद क्या आता है? 1। मल्लिका की स्पेलिंग क्या है? MALIKA। मेरे क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। अब हार्ड क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। 2 के बाद क्या बेटा? मुझे बता दे क्या पूछना है कान में। कोई बात नहीं। तो ये थे 2 दिन, मैंने और ऋषि ने बहुत अच्छे से एंजॉय करे। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, मैं और ऋषि वापस जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली में एक सरप्राइज मेरा वेट कर रहा है। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और अब जल्दी से दिल्ली के लिए निकलते हैं। मैं आई हूँ अपनी मॉम के घर पे क्योंकि आज मैं मिलने वाली हूँ अपनी बुआ से। मेरी मोस्टली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मल्लिका अपनी फैमिली में या तो अपने नान का ही मोस्टली दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने दांत को मुझसे अपनी बुआ से और किसी टाइम भी वो आ सकती है। क्या हाल है पापा? बहुत अच्छा। 3 साल बाद आ रही है बुआ। कैसी है? ये मास्क लगा के आया भाई। जी मामा जी उधर हैं, मम्मी के पास पड़ा है। अरे उतार दिया तो घर में यार। अरे दांत मार टूटे हुए बच्चे के। पापा जी नमस्ते। तुम डाल रहा हूँ रस्ते में टैगिंग। अब हवाई बना रही है। यस। जल्दी जल्दी आएगी। क्यों आएगी? हम जैसे हैं वैसी आएगी। ओके। नहीं कोई मोटी नहीं हुई। और बुआ सुन खाते पीते हैं यार, कमाल कर। मैं बुआ से 3 साल बात कर रही हूँ। मतलब बुआ से क्या सबसे 3 साल बात कर रही हूँ? एक्चुअली हम भी पता है क्या करें, वेट करते करते इतना टाइम हो गया। फिर सोचे कि मेरे बेटे से कब मिलना होगा। मुझे प्योरी प्योरी बेटा अच्छा लग रहा है। लेकिन बुआ मेरी पता मैं क्या सुन रही थी? मैं तो खाना बना रही होगी, सास ससुर क्या करूँ, मैं सब कैसे बुलाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं जाके मम्मी को बोलूंगी। मतलब आपसे पहले अभी जस्ट पहले ये अंदर आई है और आप पीछे पीछे आए हो। मैंने इसको कॉल किया था, मैंने कहा नानू मैं आ रही हूँ जरा देखना कि आगे में। जैसे कहा कि हाँ बुआ पक्का। मैंने कहा कितने साल? इसकी आवाज में इतनी खुशी थी ना कि मैंने कहा ये वहाँ पहुँचेगी। मेरे सब्सक्राइबर्स बताएंगे बुआ ज्यादा सुंदर है या मेरे पापा? जरा बताना, जरा देख के बताना भाई ज्यादा ज्यादा सुंदर कौन है? बुआ ऐसा नहीं है। और बच्चा लोग कैसे हैं? भाई भी गए हैं। जब मैंने इनको लास्ट देखा तो ये छोटे छोटे थे। कह रहा था कॉल दिया। तो मेरे क्या लगेंगे? मैंने कहा जीजू करे यार, इतना छोटा सा साल है क्या पर। मैंने कहा अगले को सिर्फ आई है। मैंने कहा सवाल कर ले। कैसे हो आप? आप ग्लो कर रहे हो मामा। वीडियो मामा वीडियो। वो आई है ना आज? मैं भी देख के आऊं जो बना है।
समझ नहीं आ रहा खाना है या पीना है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले आप खाएं फिर उसको पिए। तू पिएगा ना बहुत अच्छा, और तू नहीं पिएगा तो और भी अच्छा। सुन लिया, बच्चा ही नहीं, इसकी माँ बाप सारे 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 के सारे बांध लिया। गौरव ने सही मजे लिए, वहां से उठ के यहाँ आ गया हंसने के लिए। वो रोने वाली की बात है, रोने की खुशी के बाद इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली। बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा मैंने बुआ फूफा जी सबके साथ, और अब जाने का वक्त हो गया है और इस वीडियो को अंत करने का भी वक्त हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय 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 बाय।